दोस्तों जिस तरह गाड़ी वाहन मशीनरी को अगर उसका ईंधन सही से ना मिले तो वो सही से नहीं चलती, ना ही परफॉर्मेंस देती है। यही हाल होता है एक ड्राइवर का या एक इंसान का, जिसको अगर खाने में कुछ अच्छा मिल जाए या भरपूर मिल जाए तो उसकी भी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हो जाती है, वो भी अच्छा काम करने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर करके हमने देखा है ड्राइवरों की ना तो नींद पूरी हो पाती है, ना ही भरपेट खाना मिल पाता है, खासकर जिस कंपनियों में वो लोडिंग अनलोडिंग करने जाते हैं। कई कई जगहों पर तो पानी के लिए तरस जाते हैं। लेकिन एक ड्राइवर ने हमें एक ऐसी वीडियो भेजी है एक ऐसी कंपनी की, जहां पर ड्राइवरों का ऐसा ख्याल रखा जाता है कि ड्राइवर उससे इतने खुश हुए, इतने संतुष्ट हुए कि वो अपने आप को वीडियो भेजने से नहीं रोक पाए, इसका गुणगान करने से नहीं रोक पाए। कौन सी है वो कंपनी, कहां की है, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों अगर आपको कोई भी एक ऐसी कंपनी याद है जहां पर आप लोडिंग या अनलोडिंग के लिए गए हो और आपको भरपेट खाना वो भी ऐसे व्यवहार के साथ मिल रहा हो जहां पर मैनेजर या उस कंपनी के कर्मचारी आपके साथ एक टेबल पर एक जगह बैठकर खा रहे हो, अगर आपके जहन में कोई ऐसी कंपनी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और जिस कंपनी के बारे में हमें ड्राइवर ने बताया है उसको सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं वो भी जरूर लिखिएगा। ड्राइवर है सावरमल, जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजी है। प्राइवेट ये कंपनी है दहेज रोड गुजरात की, जहां पर टाइल बनने का काम चलता है। वहां पर ये गाड़ी लेकर गए थे लोडिंग के लिए, लेकिन जब वहां पहुंचे और इनकी जो आव भगत हुई है उससे ये बेहद प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि अक्सर करके ड्राइवरों के साथ ऐसा होता ही नहीं है। बल्कि अगर कुछ खाने पीने को पूछ भी लिया जाए तो मारने पीटने अलग से दौड़ा जाता है, कई बार तो गेट के बाहर भगा दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें खाने के लिए क्या क्या मिलता है उसके लिए बकायदा इन्होंने लिस्ट की वीडियो बनाकर भेजी, और कितनी मात्रा में मिलता है वो भी लिखा हुआ है। बाकायदा यहाँ पर रोस्टर सिस्टम बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक दिन खाना कुछ और होगा, दूसरे दिन खाना कुछ और होगा, वैरायटी मिलेगी। ड्राइवरों के लिए है ये सब कुछ, जी हाँ, उन ड्राइवरों के लिए जो लगभग 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चलकर आते हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता, उनके लिए यहाँ पर ये इंतजाम है। सिर्फ खाने की ही बात नहीं, सोने के लिए बाकायदा बेड लगे हुए हैं, साफ सुथरे यहाँ पर वॉशरूम मिलते हैं, खाने में रोटी पूड़ी चावल सब मिलता है। कितनी मात्रा में मिलता है वो भी जानिए, अगर रोटी लेनी है तो 7 ले सकते हैं, पराठा लेना है तो 5 ले सकते हैं, और अगर पूड़ी लेनी है तो 12 पीस तक ले सकते हैं। ड्राइवर ने बताया कि ये तो सिर्फ सीमा इसलिए लगाई गई है कि खाने की वेस्टेज ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक साथ बहुत सारा खाना भर लिया जाता है, बाद में वो वेस्ट होता है। तो कंपनी ने ये सीमा सिर्फ इसलिए लगाई है अगर किसी को दोबारा से खाने की इच्छा हो, यानी कि अगर उतने में जितना पहले उन्होंने सीमा दी हुई है उसमें पूरा ना हो तो दोबारा भी ले सकते हैं। सब्जी में देख सकते हैं, दाल जितनी मर्जी ले सकते हैं, कढ़ी जितनी मर्जी ले सकते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि सलाद भी दिया जाता है। यही नहीं, खाने के बाद मीठा अलग से। सोचिए ऐसी कोई कंपनी आपके जहन में है तो जरूर लिखिए। ड्राइवर ने खुद कहा कि 2003 से वो इस लाइन में हैं, लेकिन आज तक ऐसी कंपनी उन्होंने नहीं देखी जहां ये सब हो रहा। उनका कहना है कि सिर्फ खाने पीने सोने बैठने की व्यवस्था ही नहीं, यहाँ के स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा है, बोलना बहुत अच्छा है, सब एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाते हैं ड्राइवरों के साथ, यानी कि सही मायने में इंसान को यहाँ पर इंसान समझा जाता है। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ मात्र 50 रुपए सभी को देने होते हैं, इवन कंपनी के कर्मी को भी, और ये सब भरपेट खाना मिलता है, कोई रोक टोक नहीं है खाने पीने को लेकर। ड्राइवरों की अगर ये जरूरत पूरी हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत से मामलात ऐसे ही हल हो सकते हैं, यानी कि अच्छी नींद और अच्छा खाना अगर उसे मिल जाए तो उसकी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर उसे ऐसी गाड़ी यानी कि ऑटोमेटिक ट्रक चलाने को मिल जाए, वो भी इलेक्ट्रिक,
तो क्या कहने। अब आप सोच रहे होंगे खाने से हम ट्रक की ओर आ गए। जी हाँ, यही तो है जिस पर ड्राइवर की जिंदगी बीतती है और यही है उसका जीवन का साथी। जी हाँ, सही मायने में अगर उसे कंफर्टेबल राइड मिल जाए या ड्राइव मिल जाए तो एक ड्राइवर का जीवन सफल हो जाता है, जैसे कि लव कुमार यादव का हो गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्होंने जो गाड़ी की वीडियो और फोटो हमें भेजी है, देखने में आकर्षक और लुभावनी है और इसके फीचर भी काफी आकर्षक हैं। और ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह से ये चलती है। लव कुमार यादव ने बताया कि उनका एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक आना जाना होता है जो लगभग 300 किलोमीटर है, यानी कि 600 किलोमीटर का टोटल रन पड़ता है। उसमें वो बड़ी आराम से इस गाड़ी को चार्ज करने के बाद वहां से निकलते हैं, लोडिंग गाड़ी को 100 किलोमीटर जाने के बाद फिर से एक बार चार्ज करके आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अभी तक ऐसी दमदार गाड़ी उन्होंने नहीं देखी है। उनका कहना है कि 90 मिनट में ये गाड़ी यानी कि 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, जिसके बाद लगभग लोड लेकर 100 किलोमीटर ये चलती है। खाली गाड़ी हो तो 200 किलोमीटर की रेंज दे देती है। यह है एक जेन्युइन रिव्यू जो ड्राइवर के द्वारा हम तक पहुंचा और हमने आप तक पहुंचाया। IPLT की ये गाड़ी है जो 2019 में लॉन्च हुई थी। उस समय जो रिव्यू दिए जाते हैं, खासकर लॉन्च के समय, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वानुमान के आधार पर होते हैं, यानी ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, वो सटीक शायद ना हो। लेकिन जब खुद ड्राइवर के जरिए से ये बात पहुंचती है तो लगता है कि सही मायने में रिव्यू हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कंपनी जहां पर ऐसा खाना पीना मिलता हो जो हमने आपको बताया, अगर आपके जहन में कोई ऐसी कंपनी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अगली बार जब आप जाएं तो वहां की खासियत इसी तरह रिकॉर्ड करके बताते हुए हम तक जरूर पहुंचाएं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट TV काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर, और मैं सर ट्रांसपोर्ट TV का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट TV को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट TV। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।